ईरान की पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप पर मिसाइल हमले करने के बाद दोनों देशों में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस बीच पाकिस्तान ने बौखलाहट में अपने राजदूत को ईरान से वापस बुला लिया। इतना ही नहीं, उसने इस्लामाबाद में मौजूद ईरानी राजदूत को भी तलब कर विरोध पत्र सौंपा है। पाकिस्तान की विदेश कार्यालय ने बुधवार को कहा कि उसने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला किया। यह फैसला ईरान के पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के अकारण उल्लंघन के बाद लिया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच चल रही या योजनाबद्ध सभी उच्च स्तरीय यात्राओं को भी निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने ईरान के हमले को अपने हवाई क्षेत्र का अकारण उल्लंघन करार दिया है। ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान की सरकार मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुहे सब्ज नामक इलाके में जैश अल अदल के दो ठिकानों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हमले में दो बच्चों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल है। यह हमला पिछले महीने दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में एक ईरानी पुलिस स्टेशन पर हुए घातक हमले के मद्देनजर हुआ है। उस हमले में कम से कम 11 ईरानी पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी। ईरानी आंतरिक मंत्री अहमद वाहिदी ने जैश अल अदल को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। वाहिदी ने आरोप लगाया था कि आतंकवादियों ने पाकिस्तान की ओर से पंजगुर के पास से हमला किया था, जो ईरान की हालिया सैन्य कार्रवाइयों के पीछे एक संभावित मंसूबे का संकेत देता है। वहीं पाकिस्तान ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि आतंकवाद क्षेत्र के सभी देशों के लिए एक साझा खतरा है, जिसके लिए समन्वित कार्रवाई की जरूरत है। इस तरह की एकतरफा कार्रवाई अच्छे पड़ोसी संबंधों के अनुरूप नहीं है और द्विपक्षीय विश्वास को गंभीर रूप से कमजोर कर देती है। बता दें कि जैश अल अदल की स्थापना 2012 में हुई थी। ईरान ने इसे आतंकी संगठन घोषित करार दिया था। जैश अल अदल एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान से संचालित होता है। पिछले कुछ सालों में जैश अल अदल ने ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हमले भी किए हैं। वहीं बीते दिसंबर में इस आतंकी संगठन ने सिस्तान बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 11 पुलिस वालों की जाने गई थी। सिस्तान बलूचिस्तान की सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। इस इलाके में ईरान के सुरक्षा बलों और सुन्नी आतंकवादियों के साथ साथ ड्रग तस्करों का भी भीषण संघर्ष होता रहा है। बहरहाल, इस तरह के हमले से अब ईरान और पाकिस्तान के बीच खटास और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।